गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग अपनी केमिस्ट्री में विनीत द्विवेदी यूट्यूब चैनल पे आपके पास हैं। और अब मैं शुरू कर रहा हूँ आज दोस्तों एल्कीन चैप्टर के बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। पहले ही आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आज जो मैं आपको एल्कीन और एल्काइन पढ़ा रहा हूँ ये मैं आपके स्कूल एग्ज़ाम के लिहाज से मैं पढ़ा रहा हूँ। कई बच्चों की रिक्वेस्ट है कि उनके स्कूल एग्ज़ाम्स एकदम सर पे हैं तो उसके हिसाब से वो वीडियो लेक्चर्स सॉल्यूशंस चाहते हैं सो दैट वो अपने स्कूल एग्ज़ाम्स के हिसाब से टॉपिक को बढ़िया से पढ़ सकें। चूँकि बच्चों ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर ये सेक्शन आता है और हाइड्रोकार्बन और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये क्लास 11 के बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स है जिनका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे एप्लीकेशन होता है। अब चूँकि ये बड़े चैप्टर्स होते हैं तो इनमें कंसेप्ट भी काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं और जैसा मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये स्कूल के एग्जाम से है तो यहाँ से हम लोग का एम क्या रहेगा, हम सारी स्कूल लेवल की रिएक्शंस को जानना चाहते हैं प्लस स्कूल लेवल पे रिएक्शंस में क्या कंसेप्ट लग रहे हैं उन पे हम लोग जाएंगे। दैट मीन्स हम लोग कंसेप्ट्स के बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम उनको ऊपर से समझ लेंगे सो दैट हम अपने स्कूल एग्जाम में सवालों को ट्रूली हम लोग सही तरीके से अप्लाई कर पाएँ। ठीक है, तो ये हम लोग का यहाँ पर प्राइमरी एम होगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को एल्कीन को। देखिए एल्कीन में सबसे पहले शुरुआत हम लोग करेंगे एल्कीन के नॉमेनक्लेचर को लेकर के। सो आइए चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। सो जब हम बच्चों एल्कीन का नॉमेनक्लेचर करते हैं सो हमको तीन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एज यूजुअल जैसे कि नॉमेनक्लेचर के वीडियोस में आपने देखा होगा सबसे पहला काम होता है हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना जिसको हम पेरेंट चेन कहते हैं। लेकिन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते समय हमारा एम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करते हुए ऐसी चेन को बच्चों पकड़ना है जिसके अंदर देयर इज मस्ट डबल बॉन्ड और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड का होना अनिवार्य है। सो इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि जब हम पेरेंट चेन सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमारा एम है एक ऐसी चेन को सेलेक्ट करना जिसके अंदर डबल बॉन्ड तो मौजूद है ही सो डबल बॉन्ड को लेते हुए हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना दैट इज गोइंग टू बी आवर पेरेंट चेन। अब अगर मान लीजिए जब आपका प्राइमरी एम क्या है बच्चों डबल बॉन्ड को लेना सो प्राइमरी एम है डबल बॉन्ड को लेना सो कई बार ऐसा भी होता है कि डबल बॉन्ड को अगर हमने नहीं लिया होता तो हमको लंबी चेन मिल जाती और अगर हमने डबल बॉन्ड को लिया हुआ तो हमें उतनी लंबी चेन नहीं मिल रही है। तो ऐसे केस में बच्चों याद रखिएगा आपकी पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड का होना अनिवार्य है। अब चाहे इसके चक्कर में आप सबसे लंबी चेन ना ले पा रहे हो तो भी सो आवर पेरेंट चेन इज गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड एंड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड, ये हमारी होगी और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पर भी यही होगा। सो पहला एम है बच्चों हमारा पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नंबरिंग की बात करेंगे। अब जब हम लोग नंबरिंग की बात करेंगे सो नंबरिंग करते समय भी हमने नंबरिंग उस एंड से करनी है जिस एंड से हमारे डबल बॉन्ड को बच्चों कम नंबर मिले। डबल बॉन्ड को कम नंबर आपका एम है और एंड से नंबरिंग करना शुरू करिएगा। उसके बाद में आपको देखने की आपके पेरेंट चेन में कोई सब्सटेंस वगैरह तो नहीं है, सब्सटेंस है तो उनको एज यूजुअल नाम के पहले लिखेंगे और उसके बाद फिर रूट वर्ड मीन्स लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कार्बन की संख्या और लास्ट में फिर आप ईन या फिर एल आइन जो भी आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड है उस हिसाब से आप प्राइमरी सफिक्स लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं हम लोग। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने जो अपनी पहली प्राइमरी कंसर्न को आपको बताया मैंने कि कई बार सीन ये होता है हमारा कि कई बार बच्चों सीन क्या होता है हमारा कि हम लोगों ने पेरेंट चेन सेलेक्ट करते समय अगर मैंने ये बच्चों पेरेंट चेन सेलेक्ट की होती तो हमारे पास पेरेंट चेन में कितने कार्बन होते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो इफ दिस वाज आवर पेरेंट चेन तो हमारी पेरेंट चेन में 9 कार्बन होते। ठीक है, बट अगर हम लोग अपनी पेरेंट चेन को थोड़ा मॉडिफाइड करके सेलेक्ट करते हैं ये वाली दैट मींस बच्चों रेड सेक्शन वाली तो इन दैट केस हमारी पेरेंट चेन में बच्चों कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो अगर हमने डबल बॉन्ड 9 लिया होता तो हमारे को 9 कार्बन की पेरेंट चेन मिल रही थी और जब हमने डबल बॉन्ड लिया तो हमारे को 8 कार्बन की पेरेंट चेन मिल रही। हमें लेना किसको है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमारा प्राइमरी एम बच्चों क्या है, हमें डबल बॉन्ड को लेते हुए हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है।
सो दैट मीन्स बच्चों रेड वाली हमारी करेक्ट पेरेंट चेन है. सो रेड वाली हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली. अब अगला काम क्या है बच्चों, इसकी नंबरिंग करना. नंबरिंग करते समय भी आपका मेन एम क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के करीब से नंबरिंग करना. सो दैट मीन्स हम लोग नीचे से नंबरिंग करें तो ज्यादा बेटर है. ये हमने किया. और अब इसके बाद में जैसा कि हमारा नॉमेनक्लेचर के मेन रूल्स होते हैं, पहले हमको प्रीफिक्स को लिखना है. प्रीफिक्स हमारा क्या है, जो साइड चेन्स अटैच्ड हैं वो, इनमें कार्बन कार्बन चेन हैलोजन वगैरह रहते हैं. उसके बाद में रूट वर्ड को लिखना है. रूट वर्ड हमारा क्या बताता है, पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं. और उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स, जो कि आपको बताता है कि जो जो आपकी पेरेंट चेन है उसमें सिंगल बॉन्ड से बनी है, डबल बॉन्ड से बनी है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड से बनी हुई है. सो इस कंपाउंड में अगर हम बात करें, सो पहले हमको क्या लिखना है दोस्तों, प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, एंड देन दोस्तों प्राइमरी सफिक्स. अभी फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल हम लोग नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी हमारा एम सिर्फ हाइड्रोकार्बन चैप्टर पे ही है. सो प्रीफिक्स यहां पर हो जाएगा, इज देयर एनी अटैचमेंट, यस देयर इज अ थ्री कार्बन चेन अटैचमेंट. इस थ्री कार्बन की चेन के अटैचमेंट को हम क्या लेंगे, प्रोपाइल. सो इट्स गोइंग टू बी प्रोपाइल. और ये बाय द वे प्रोपाइल कहां लगा है, कार्बन नंबर थ्री पे. सो इट्स थ्री प्रोपाइल, थ्री मिथाइल, थ्री इथाइल, थ्री प्रोपाइल. फिर रूट वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, देयर इज आठ कार्बन की चेन है तो ऑक्ट. और क्या इस आठ कार्बन की चेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही है, अगर सिंगल बॉन्ड होते तो एन हो जाता, बट सिंस वी आर सीइंग दैट देयर इज अ मल्टीपल बॉन्ड, देयर इज अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो अब हम इसका नाम क्या लिखेंगे, ऑक्ट वन ईन या फिर सिंपली ऑक्टीन. सो ये हमारा इसका नाम हो जाएगा. आई गेस इस एग्जाम्पल से हम लोगों को अपना सारा चीज दोस्तों हमारा क्लियर हो गया है. ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस के लिए ठीक है, आप लोग बच्चों प्रैक्टिस के लिए ठीक है. सो आप लोग बच्चों प्रैक्टिस के लिए इस कंपाउंड का भी नॉमेनक्लेचर करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं डेफिनेटली दोस्तों एक दो कमेंट के बाद उसका आंसर की भी आपको डिस्क्लोज कर दूंगा. ठीक है, सो जो भी बच्चे इसका आंसर जानना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं, उनको इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा. ठीक है, सो आपके लिए एक होमवर्क है कि आप मुझे इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर बताएंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो अब नॉमेनक्लेचर के बाद हमको आगे जाना है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे. सो एल्कीन की बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सो आइए चलिए उस पे आते हैं. अब हम लोग बात करेंगे एल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की देख रहे हैं, चाहे हाइड्रोकार्बन एल्केन हो, एल्कीन हो, या एल्काइन हो, या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो, बहुत ज्यादा इनमें अंतर हमको देखने को नहीं मिलता है. इन सब की हमको कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज ही देखने को मिलती हैं. पहली प्रॉपर्टी कि इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं. दूसरी प्रॉपर्टी, दे ऑल आर इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स पेट्रोल डीजल ये सब पानी में बच्चों सॉल्युबल नहीं होते. They all are quite non-polar compounds and having very very small amount of dipole moment in it. इन सब common properties के बावजूद हमारे को alkene की physical properties को पढ़ना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि alkene में physical properties को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें alkene के दो types, मतलब cis और trans geometrical isomers की भी properties को देखना होता है. So हमें physical properties को जानना चाहिए बच्चों, just बच्चों सिर्फ in context of cis और trans की physical properties में क्या अंतर होते हैं उसके आधार पर. बट स्टिल बिफोर गोइंग टू सिस एंड ट्रांस मैं आपको कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज इनकी लिखा देता हूं. सो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, सो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, बट स्टिल बच्चों इनका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एल्कीन से तो ज्यादा ही होता है, क्योंकि एल्कीन की तुलना में थोड़े से ज्यादा पोलर पाए जाते हैं. सो बट स्टिल अगर मैं इनको दूसरे फंक्शनल ग्रुप की तुलना में करता हूँ, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल, तो उनकी तुलना में इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है.
So they have low melting point, boiling point. और अगर हमें दो एल्कीन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने को आता है तो एल्कीन हैविंग मोर नंबर ऑफ कार्बन्स, एल्कीन हैविंग मोर नंबर ऑफ कार्बन्स सो एल्कीन हैविंग मोर नंबर ऑफ कार्बन्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट. So alkene having more number of carbons, they have high melting point, boiling point. They are non-polar. And they are insoluble in water. सो इनकी दोस्तों जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं वो यही हैं कि ये जो एल्कीन्स होते हैं हमारे, इनके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम है. फॉर एग्जांपल हम और आप दोनों ही जानते हैं कि सारे हाइड्रोकार्बन लाइक पेट्रोल डीजल ये सब बहुत जल्दी उड़ जाते हैं क्योंकि इनमें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है. बाय द वे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होने का कारण है कि मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्सेज होता है, जो फोर्सेज मॉलिक्यूल को जोड़ के रखता है जिसे हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, वो यहाँ पे बहुत ही वीक फोर्स होता है जिसे हम कहते हैं क्या, वैन डेर वाल फोर्स. और ये वैन डेर वाल फोर्स बड़े मॉलिक्यूल में ज्यादा पाया जाता है, तो इसीलिए अगर एल्कीन में कार्बन की संख्या ज्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ऐसी एल्कीन से ज्यादा होगा जहां पे कम कार्बन है. दूसरी बात करें हम सॉल्युबिलिटी की, तो बच्चों हम जानते हैं सारे हाइड्रोकार्बन्स पानी में कम सॉल्युबल होते हैं. रीजन है पानी में बच्चों वही लोग सॉल्युबल होते हैं वो जो या तो फिर पानी की तरह पोलर होते हैं. पोलर शब्द का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें हल्का से चार्जेस है. और चार्ज बच्चों कब आते हैं, व्हेन वी हैव टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच. जैसे पानी में एक तरफ ऑक्सीजन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक तरफ हाइड्रोजन है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है. हाइड्रोकार्बन्स में इसके विपरीत कार्बन और हाइड्रोजन ही मौजूद हैं और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है. सो बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर इन नेचर. और लाइक ऑल अदर नॉन पोलर कंपाउंड्स ये पानी में भी सॉल्युबल नहीं होंगे. अगर आप हाइड्रोकार्बन्स को डिसॉल्व करना चाहते हो देन यू नीड सम सॉल्वेंट विच इज ऑल्सो नॉन पोलर लाइक हाइड्रोकार्बन. अब ऐसे नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन्स आप पा सकते हैं जैसे कि ईथर हो गए हमारे, या फिर हमारा बेंजीन हो गया, टॉलवीन हो गया. इन्हीं तरह के हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हाइड्रोकार्बन्स हमारे सॉल्युबल होते हैं. ठीक है, बट जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज हमको जो स्टडी करनी है वो हमको स्टडी करनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिस एंड ट्रांस. So, आइए जानते हैं बच्चों सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं. बच्चों एल्कीन अगर हम दोस्तों एल्कीन में सिस और ट्रांस आइसोमर्स की बात करें, अब ये सिस और ट्रांस क्या होता है इसको आप लोग बच्चों आइसोमरिज्म के वीडियो में जाकर के देख सकते हैं. हम लोग की प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियोस की लिस्ट में आपको स्टीरियो आइसोमर्स अलग अलग टाइप के आइसोमर्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे. ठीक है, सो दोस्तों बात कर रहे थे हम लोग आइसोमर्स के बारे में सिस और ट्रांस. सो अगर हम सिस और ट्रांस आइसोमर्स की बात करें, व्हाट इज सिस आइसोमर्स, जहां पे डबल बॉन्ड के एक ही तरफ आइडेंटिकल ग्रुप्स मौजूद होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो दोनों मिथाइल ऊपर की तरफ है तो उसे सिस कहते हैं. और ट्रांस क्या होता है, जहां पे दोनों मिथाइल अपोजिट दिशा में है तो उसे हम ट्रांस कहते हैं. सिस और ट्रांस में अगर हम बात करें तो हम ये पाते हैं कि सिस वाला लेस स्टेबल होता है, ट्रांस वाला मोर स्टेबल होता है. सिस वाले का डायपोल मोर डायपोल होता है, और इसका डायपोल मोमेंट लेस होता है. इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है. लेकिन मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट मोर होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेस होता है. सो सिस और ट्रांस आइसोमर्स में ये हमको कैरेक्टरिस्टिक बातों का ध्यान रखना चाहिए. चलिए एक एक करके इनको समझते हैं.
देखिए ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि ट्रांस वाले में अगर हम देखें तो जो बड़े ग्रुप्स होते हैं वो अपोजिट दिशा में अरेंज होने के कारण ये एक तरह से मॉलिक्यूल को एक बैलेंस्ड नेचर प्रोवाइड करते हैं। बच्चों अगर मान लीजिए सारी चीज़ें एक ही तरफ हैं तो उस मॉलिक्यूल का बैलेंस बिगड़ जाता है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि हम लोग स्कूल लेवल पे स्टडी कर रहे हैं तो चीज़ों के बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाने की जगह हम चीज़ों को ऐसे समझना चाह रहे हैं कि जो कि हम आसानी से अपने स्कूल के लिए उनको अप्लाई कर पाएँ। डिटेल के हम लोग वीडियोस जानेंगे जब हम लोग कॉम्पिटेटिव लेवल के वीडियोस हम लोग देखेंगे। सो सिस और ट्रांस में अगर हम देखें तो यहाँ पे बच्चों ग्रुप्स अपोजिट दिशा में होते हैं तो इससे मॉलिक्यूल का एक बैलेंस बनता है। इसको केमिस्ट्री में हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस के तौर पे कहते हैं। जब सारे बड़े ग्रुप एक ही तरफ होते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है और जब मॉलिक्यूल में बड़े ग्रुप अपोजिट बढ़ जाते हैं तो ऐसे में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल का बैलेंस बिगड़ जाता है जब ग्रुप्स एक ही दिशा में आ जाते हैं तो इससे वो कम स्टेबल हो जाता है। दूसरी तरफ हम बात करें इनके डायपोल मोमेंट की। दोस्तों डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। जिन मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट होता है उन्हीं को हम पोलर कंपाउंड्स कहते हैं और जिनमें डायपोल मोमेंट नहीं होता उनको हम नॉन पोलर कंपाउंड्स कहते हैं। सो पोलर कंपाउंड्स वो है जिनमें डायपोल मोमेंट है एंड सिंस डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला जब दोनों ग्रुप एक ही दिशा में होते हैं तो इनके डायपोल एक ही दिशा में होने के कारण एड अप हो जाते हैं लेकिन जब दोनों ग्रुप अपोजिट दिशा में होते हैं तो इनके डायपोल अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण वेक्टोरिकली कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ट्रांस वाले का डायपोल मोमेंट कम होगा और सिस वाले का बच्चों डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की। दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड कंपाउंड के लिए और लिक्विड कंपाउंड्स में बॉइलिंग पॉइंट कब ज्यादा होगा जब मॉलिक्यूल को जोड़ने वाले फोर्सेस ज्यादा होंगे। सो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें फोर्सेस मजबूत हैं कौन कौन से फोर्सेस होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं यहाँ पे आप समझ लीजिए बच्चों डायपोल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है। सो मॉलिक्यूल में डायपोल है डायपोल मतलब चार्ज है चार्ज के कारण यहाँ पे एक तरह के आयनिक इंट्रैक्शन पैदा हो जाते हैं जिस कारण से मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन के कारण मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं अच्छे से और अब उनको अलग करना उनको बॉयल करना मुश्किल होता है। सो सिस कंपाउंड में बिकॉज ऑफ हाई डायपोल मोमेंट इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ट्रांस में तो डायपोल मोमेंट कैंसिल हो गया था तो इसीलिए यहाँ पे चार्जेस भी एक तरह से उनका जो इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। इसके विपरीत जब मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको समझ में आता है। नॉर्मली कंपाउंड में बच्चों क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट एक साथ बढ़ता है। जिस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम है उन दोनों का ही बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट एक साथ ही कम होता है। लेकिन यहाँ पर हमको एक अलग चीज़ देखने को मिल रही है तभी तो हमने कहा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को आइसोमर्स के रिस्पेक्ट में जानना आपके लिए ज़रूरी है। आपको स्कूल एग्जाम में इस तरह का सवाल आ सकता है कि डिस्क्राइब या कमेंट अबाउट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। सो सिस और ट्रांस में अगर आप देखें तो आप पा रहे हैं बच्चों क्या कि ट्रांस वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है ऑल्दो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम था। क्यों बॉइलिंग पॉइंट कम था मैंने बताया कि इसमें डायपोल मोमेंट कम है तो डायपोल फोर्सेज या आयनिक फोर्सेज यहाँ पर वीक पड़ जाते हैं। आइए जानते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट क्यों कम है। सो ट्रांस वाले का बच्चों मेल्टिंग पॉइंट इसलिए कम है क्योंकि ट्रांस वाला जो होता है पहले तो जानने से पहले ये समझिए कि मेल्टिंग पॉइंट बच्चों सॉलिड कंपाउंड का होता है। किसी सॉलिड को कितनी टेम्परेचर पे जाने पर वो लिक्विफाई हो जाता है उसे हम कहते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो सॉलिड कंपाउंड का बच्चों मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन होता है। अब चूंकि चीज़ें सॉलिड हैं और सॉलिड चीज़ें रिजिड होती हैं तो यहाँ पर एक बच्चों फिनोमेना लगता है किसका पैकिंग का। अगर कोई चीज़ अच्छे से पैक्ड है क्लोजली पैक्ड है तो ऐसे में बच्चों मॉलिक्यूल पास पास अरेंज होंगे और मॉलिक्यूल अगर पास पास होंगे तो उनके बीच के फोर्सेस भी ज़्यादा होते हैं। जब हम ट्रांस कंपाउंड की बात करते हैं तो ट्रांस कंपाउंड को हम पाते हैं एक सिमेट्रिक टाइप का इसका स्ट्रक्चर है। ग्रुप्स अपोजिट दिशा में हैं तो अच्छे से मॉलिक्यूल में एक बैलेंस बन गया है। वही सिस में मैंने बोला था कि बैलेंस बिगड़ गया है इसीलिए लेस स्टेबल होता है। तो सिंस ट्रांस कंपाउंड में ग्रुप्स एक बहुत ही सिमेट्रिकल वे में अरेंज हैं तो एक मॉलिक्यूल का बहुत अच्छा बैलेंस है। इस बैलेंस के कारण जब हम इसको सॉलिड स्टेट में रखते हैं तो मॉलिक्यूल बहुत अच्छे से क्लोजली फिट हो जाते हैं और क्लोजली फिट होने के कारण मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं और पास पास आने पर इनके बीच के कोई भी फोर्सेस होंगे चाहे वो वैंडर वॉल हो या डायपोल हो कोई भी फोर्सेस हो वो अच्छे से स्ट्रांग हो जाते हैं क्योंकि आपको पता है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस। सो अगर मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो अच्छे से अरेंज हो जाएंगे और अच्छे से अरेंज होंगे मतलब पास पास अरेंज होंगे तो इससे इनका फोर्स भी ज़्यादा होगा। वहीं सिस में क्या होता है मॉलिक्यूल सिमेट्रिकली अरेंज नहीं है। सिमेट्रिकली अरेंज ना होने के कारण बच्चों यहाँ पर क्या सीन होता है कि मॉलिक्यूल की जो पैकिंग होती है वो क्लोज पैकिंग बल्कि लूज पैकिंग होती है। लूज पैकिंग होने से क्या होगा मॉलिक्यूल ज़्यादा जगह भी घेरता है और मॉलिक्यूल दूर दूर भी होते हैं।
जब मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो उनके बीच का फोर्स डेफिनेटली वीक पड़ जाएगा और इसी कारण बच्चों इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाता है. सो अगर कोई आपसे इनके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बोले देन यू हैव टू से व्हाट यू हैव टू से अबाउट पैकिंग कि भाई ट्रांस में क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है और सिस में लूज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है. क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ट्रांस में होने के कारण यहाँ पे इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज स्ट्रांग होते हैं और लूज पैक्ड स्ट्रक्चर के कारण यहाँ पे सॉलिड स्टेट में इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज वीक हैं. दैट्स वाई यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट हाई है और यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट लो है. तो ये दोस्तों बातें हमारी क्या सिस और ट्रांस की फिजिकल प्रॉपर्टीज की. अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे चैप्टर के अगले पार्ट पे विच इज हाउ टू प्रिपेयर एल्कीन्स केमिकली. वो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन है जिनके द्वारा हम लोग एल्कीन को लैब में बना सकते हैं, तो आइए उनके बारे में अब हम लोग जानते हैं. आइए चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं. सो आइए चलिए दोस्तों अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे आते हैं विच इज आवर हाउ टू प्रिपेयर केमिकल हाउ टू प्रिपेयर एल्कीन्स केमिकली हाउ टू प्रिपेयर एल्कीन बाय केमिकल रिएक्शंस और वी कैन से. सो एल्कीन को बनाने के हमको कुछ रिएक्शंस याद करनी है और याद रखिएगा बच्चों हाइड्रोकार्बन में चाहे हम एल्कीन एल्कीन एल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ते हैं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों हमारी एल्कीन ही होती है. सो आइए चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी रिएक्शंस है जिनसे हम एल्कीन को बना सकते हैं. इनमें हमारा एम है कुछ इंपॉर्टेंट मेजर रिएक्शंस को जानना. सो अगर हम एल्कीन के प्रिपरेशन के बारे में जानते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट तो दोस्तों हमको तीन रिएक्शंस मिलती हैं. अब ये तीन रिएक्शंस कौन कौन सी हैं होने को तो इसके अलावा भी होती है बट हमारे लिए तीन रिएक्शंस को जाना जरूरी है और स्कूल एग्जाम में मोस्ट प्रॉब्ली यही तीन रिएक्शंस आपको पूछी जा सकती हैं. इन तीन रिएक्शन में पहली रिएक्शन हमारी पार्शियल हाइड्रोजनेशन, दूसरी रिएक्शन हमारी डीहाइड्रोहैलोजनेशन और तीसरी रिएक्शन हमारी डिहाइड्रेशन रिएक्शन. इन सभी रिएक्शंस में हमने करना क्या है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में हमने कैसे भी कुछ जुगाड़ पानी लगा करके हमने डबल बॉन्ड तक पहुंचना है. आइए चलिए एक एक करके इन रिएक्शंस को देखते हैं. तो सबसे पहले दोस्तों हमारी रिएक्शन है पार्शियल हाइड्रोजनेशन. फ्रेंड्स लेट्स से हमारे पास एक एल्काइन है. अब इस एल्काइन की अगर मैं बात करूं तो ये जो एल्काइन हमारा होता है दोस्तों अगर मैं एल्काइन के बारे में बात करूं तो एल्काइन में एल्कीन की तरह पाई बॉन्ड तो हैं बट प्रॉब्लम क्या है यहां पर एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है. सो हमारा एम है यहां पर एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड को हटा करके हमने उसकी जगह पर एक सिंगल बॉन्ड लाना है या हमें उसकी हटा करके हाइड्रोजन लानी है. सो हमने ट्रिपल में से एक बॉन्ड अगर हम तोड़ दें तो डबल बॉन्ड हो जाएगा. सो हमारा एम क्या है बच्चों इस पाई बॉन्ड को तोड़ना. ठीक है सो एल्काइन में हमने एक एक्स्ट्रा बॉन्ड को तोड़ना है. अब अगर हम कभी भी दोस्तों आपके पास ये इस तरह के मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं तो इनको तोड़ने के लिए सबसे बेटर चीज क्या होती है आप इनके ऊपर हाइड्रोजन डाल दें. कोई भी मल्टीपल बॉन्ड है कैसा भी मल्टीपल बॉन्ड है आप उसके ऊपर हाइड्रोजन डाल दें अलॉन्ग विद क्या फ्यू कैटलिस्ट. कौन कौन से कैटलिस्ट चलेंगे, प्लैटिनम निकल और पैलेडियम. सो अगर हम मल्टीपल बॉन्ड्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वगैरह के ऊपर हाइड्रोजन डालते हैं अलॉन्ग विद निकल प्लैटिनम पैलेडियम तो हाइड्रोजन इन बॉन्ड्स को तोड़ करके इसकी जगह पे हाइड्रोजन लगा देता है. सो यही काम अगर हम बच्चों हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे करते हैं कैटलिस्ट लिखना अनिवार्य है. सो अगर हम यहाँ पे करते हैं तो प्रॉब्लम बच्चों ये होती है कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पर सिर्फ एक बॉन्ड को नहीं तोड़ता है बल्कि दोनों बॉन्ड को तोड़ देता है. हाइड्रोजन का एम क्या है जो भी मल्टीपल बॉन्ड दिखे उसको सीधे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दीजिए. डबल बॉन्ड है तो एक बार H2 ऐड होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो दो बार H2 ऐड होगा. बट H2 क्या करता है फाइनली चीजों को
इस तरीके से ब्रेकआउट करता है कि फाइनली वहां पे क्या आ जाए, सिंगल बॉन्ड। क्योंकि भाई देखो H2 है, रिएजेंट सेम मॉलिक्यूल्स हैं, ये पढ़े लिखे तो है नहीं, तो इनको पता तो है नहीं कि भाई कब रुकना है कब चालू होना है, तो ये तो बस अपना काम करना चाहते हैं। इनको बस बोला है क्या कि भाई जाओ जाके मल्टीपल बॉन्ड तोड़ के आओ, ट्रिपल बॉन्ड है तो भी उसको तोड़ के वन ले आएंगे, डबल बॉन्ड है तो भी उसको तोड़ करके वन ले आएंगे। सो H2 ऐड करने पे दोस्तों क्या होता है, मॉलिक्यूल के ऊपर दो मोल H2 के ऐड हो जाते हैं, एक मोल ये ऐड हुआ और एक मोल ये ऐड हुआ, एंड फाइनली व्हाट वी गेट, एल्कीन। बट हमारा एम क्या था भाई, हमारा तो एम है भाई एल्कीन निकालना। सो एल्कीन पे जाकर के हमारी रिएक्शन रुकती है। नाउ आवर एम इज टू गेट एल्कीन। सो ऐसा हम कैसे कर पाएंगे दोस्तों, इस काम को करने के लिए आपका ये रिएक्शन, इसे हम कहते हैं क्या हाइड्रोजनेशन, ये इनअप्रोप्रिएट है। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन इज इनअप्रोप्रिएट मेथड। अब अगर आपको ये काम करना है तो आपको कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि आपके रिएक्शन में ब्रेक लग जाए। जैसे ही रिएक्शन में एक H2 आए, रिएक्शन में ब्रेक लग जाए। अब ब्रेक के लिए आपको कुछ एक एक्स्ट्रा रिएजेंट डालने पड़ेंगे, और उन रिएजेंट का काम क्या है, एक H2 के ऐड होते ही रिएक्शन को रोक देना। सो इन दिस केस वी आर यूजिंग हाइड्रोजन अलॉन्ग विद सम एक्स्ट्रा रिएजेंट्स, जो कि हमारे हाइड्रोजन को एक बार के बाद ऐड होने से रोक दें। आइए चलिए आते हैं इन रिएक्शंस के बारे में। सो पहली रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे H2 विद पैलेडियम बट एनदर एक्स्ट्रा रिएजेंट विच इज BSO4। BSO4 का काम क्या है, एक तरह का पॉइजन है, एक तरह का ब्रेक लगा देता है और रिएक्शन को एक बार के बाद बंद कर देता है। मतलब अब अगर हमने ये किया तो सिर्फ एक ही बच्चों H2 हमारी एड अप होगी। इसको हम लोग लेंडार कैटलिस्ट भी कहते हैं। इसी तरह की एक और रिएक्शन भी हमारी, जिसमें कि हम लोग सोडियम और लिथियम इन अमोनिया ले लेते हैं, इसको हम लोग बर्च रिडक्शन कहते हैं। और बर्च रिडक्शन में सीन क्या होता है, सो देर आर टू रिएक्शंस बाय विच वी कैन ऑब्टेन एल्कीन। पहली रिएक्शन हमारी लेंडार कैटलिस्ट और दूसरी रिएक्शन हमारी बर्च रिडक्शन। इन दोनों रिएक्शन में अंतर क्या है दोस्तों, अंतर आप लोग खुद देख सकते हैं कि लेंडार कैटलिस्ट से जहां बनने वाली एल्कीन सिस होती है, वहीं दूसरी तरफ बर्च रिडक्शन से बनने वाली एल्कीन ट्रांस होती है। इन दोनों रिएक्शन का एप्लीकेशन अलग अलग है। अगर आपको एग्जाम में सिस बनाना है तो यू गो फॉर लेंडार कैटलिस्ट। व्हाट इज लेंडार कैटलिस्ट, पैलेडियम प्लस हाइड्रोजन एंड एनदर स्पेशल कैटलिस्ट, अनदर स्पेशल रिएजेंट BSO4, जो कि ब्रेक लगा देता है, रिएक्शन को पूरा होने से रोकता है। अगर आपने BSO4 नहीं डालते हैं, तो दोस्तों पैलेडियम H2 के साथ दो बार रिएक्शन कराता है, लेकिन BSO4 डालने सिर्फ एक ही H2 ऐड होगी और डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड नहीं बनेगा। इसका एक और अल्टरनेटिव हमने देखा बर्च रिडक्शन से। बर्च रिडक्शन में भी एक ही बार H2 आती है, बट चीजें इस तरह से ऐड होती हैं कि ट्रांस एल्कीन बन जाती है। सो दिस इज आवर पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन। और पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन में आपके पास दोस्तों जो मेथड्स हैं वो बर्च और लेंडार कैटलिस्ट हैं। डोंट गो फॉर दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन तो हम लोग एल्केन बनाने के लिए यूज करेंगे। बट यस, इन सारी रिएक्शन में क्या है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है ओवर मल्टीपल बॉन्ड, तो हम इनको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में डालते हैं। आइए चलिए अब हम लोग अगली रिएक्शन पे आते हैं, विच इज आर डीहाइड्रोहैलोजनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। सो फ्रेंड्स, आइए चलिए अब हम लोग अपनी एल्कीन बनाने की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फैंटास्टिक रिएक्शन पे आते हैं, विच इज कॉल्ड डीहाइड्रोहैलोजनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। दोस्तों जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे 12th में, तो आप ये जानोगे कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में एल्किल हैलाइड यूज होता है। यस, एल्किल हैलाइड एक बहुत ही फैंटास्टिक केमिकल रिएजेंट है, और इसमें एक बहुत ही स्पेशल चीज इन्वॉल्व होती है, क्या कि इसमें जो हैलोजन होता है आप उसको बहुत आसानी से निकाल सकते हो। केमिकली हम लोग कहते हैं कि हैलोजन्स आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप,
लिविंग ग्रुप मतलब जो रिएक्शन में तुरंत निकल जाए, हल्का सा भी आप उसको बोलो कि चलो निकलो यहाँ से, वो तुरंत निकल जाता है। इसी एबिलिटी को हम कहते हैं लिविंग एबिलिटी ऑफ हैलोजन। सो हैलोजन्स के साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज इन्वॉल्व होता है क्या, कि हैलोजन्स आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप। अब क्यों ये अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, ये हम लोग कॉम्पिटेटिव लेवल की जब वीडियोज देखेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे। आइए चलिए अभी हम लोग अपनी रिएक्शन पे आते हैं। सो अगर हमारे पास बच्चों एल्किल हैलाइड है तो उसको हम कुछ तरीके से ट्रीट करें, और ट्रीट करके हमारा एम क्या है बच्चों, डी मतलब निकलना, किसको निकालना है, हाइड्रोजन और हैलोजन को। सो इस रिएक्शन में हमारा एम क्या है बच्चों, हाइड्रोजन और हैलोजन इनको निकालना। लेकिन बच्चों एक चीज समझिएगा, अगर आपके घर में कोई बंदा आके रहने लगे तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके घर में कोई किराएदार है, किराएदार कई सालों से रह रहा है, तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरीके से आपके घर में कोई मेहमान है, वो मेहमान भी आपके घर में 2-3 महीने से टिक गया, तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। सो जो चीज़ बच्चों आपके घर में आके टिक जाती है उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर भी आप मॉलिक्यूल से एटम को निकाल लें तो चीज़ें इतनी आसान नहीं है। तो आसान नहीं है तो मुश्किल है, मुश्किल काम को करने के लिए आपको बहुत हाई टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो बच्चों डी वाली रिएक्शंस होती है, जिनमें चाहे डीहाइड्रेशन लगा हो या डी कार्बोक्सिलेशन लगा हो या फिर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, इस केस में ये सारी रिएक्शन बच्चों बहुत ही बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है, इसका आपने हमेशा ध्यान रखना है। और इनको हम केमिस्ट्री की बहुत मुश्किल रिएक्शन के तौर पर देखते हैं, जिनको कि हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन के अंडर पढ़ते हैं, ठीक है। सो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। सो लेट्स से बच्चों हमारे पास एक एल्किल हैलाइड है, दोस्तों लेट्स से हमारे पास एक एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड कौन होते हैं, जिनमें एल्कीन के साथ एक हाइड्रोजन हटाकर के आप हैलोजन लगा दें। अगर यहां पे हाइड्रोजन लगा होता देन इट इज ब्यूटेन। आपने एल्कीन से एक हाइड्रोजन हटाकर के हैलोजन लगा दिया तो ये बन जाएगा क्या, एल्किल हैलाइड। सो हमारे पास बच्चों एक एल्किल हैलाइड है ये। अब इस एल्किल हैलाइड्स को अगर हम एक रिएजेंट के साथ ट्रीट करें जिसको आपको याद रखना है, विच इज एल्कोहलिक KOH। और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि इस काम को करने के लिए आपको बहुत जबरदस्त हीटिंग की जरूरत पड़ेगी, सो ये डेल्टा हमारा बच्चों हीटिंग का साइन होता है। सो अगर हम दोस्तों एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करें, स्ट्रांगली हीट करें, तो रिएक्शन में क्या होता है, डी मतलब निकलना, किसका निकलना, हाइड्रोजन और हैलोजन का निकलना। रिएक्शन से हाइड्रोजन और हैलोजन डिपार्ट हो जाते हैं और इनके निकलने से हमें क्या मिल जाती है, एल्कीन। अब यहां पर एक ट्रिक भी समझिएगा बच्चों, जैसे कि यहाँ पर कौन सा हाइड्रोजन कौन सा हैलोजन निकलेगा, सर्टेनली हैलोजन तो यही वाला है, और हाइड्रोजन बच्चों कौन सा निकलेगा, इसके बगल वाला। अच्छा बाय द वे बगल में तो ये भी है लेफ्ट में और ये भी है राइट में। सो निकलने को तो यहाँ पर दो तरह के हाइड्रोजन है, एक हमारा राइट वाला हाइड्रोजन ये और एक लेफ्ट वाला हाइड्रोजन ये। सो इनमें से कौन सा वाला हाइड्रोजन हमारा निकलेगा इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप समझेंगे तो रिएक्शन में अगर आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम में आप फंस जाते हैं कि कौन सा हम लोग हाइड्रोजन निकालें, तो समझिएगा बच्चों आप वो वाला हाइड्रोजन निकालेंगे जिसके निकलने से आपका पाई बॉन्ड कहाँ पे आए, बीच में आए। दोस्तों आवर एम इज टू गेट एल्कीन, और कौन सी एल्कीन यहाँ पे बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे पाई बॉन्ड बीच में होता है। सो आपको बस यही समझना है कि आप इस रिएक्शन में अगर एक से ज़्यादा पॉसिबल हाइड्रोजन हैं तो वो हाइड्रोजन निकालेंगे जिससे आपका पाई बॉन्ड बीच में आएगा। सो अगर मैं बच्चों ये लेफ्ट वाला हाइड्रोजन निकालता हूँ तो लेफ्ट वाला हाइड्रोजन निकलने से हमारा डबल बॉन्ड इधर आएगा, टर्मिनल में आएगा, और अगर मैं राइट वाला हाइड्रोजन निकालूँ तो डबल बॉन्ड हमारा बीच में आएगा। और मैंने जैसे आपको बताया कि एल्कोहलिक KOH इस तरीके से हाइड्रोजन निकालता है कि आपका पाई बॉन्ड बीच में आए। सो इस रिएक्शन में हमको बनेंगी तो दोनों एल्कीन, हमको ये वाली एल्कीन भी मिलेगी और ये वाली एल्कीन भी मिलेगी। बनेंगे तो हमको दोनों एल्कीन, लेकिन कौन सी एल्कीन मेजर होगी, जिसमें पाई बॉन्ड बीच में। सो दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी मेजर एंड दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी माइनर। नाम भी आप इनका बता सकते हैं, दिस इज 1-ब्यूटीन एंड दिस इज 2-ब्यूटीन। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा यहां पर तरीका होता है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करने का। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के रिएजेंट को याद रखिएगा अल्कोहलिक KOH के साथ आपको हीट करना है। कैसा होता है ये अल्कोहलिक KOH? यू नीड टू डिसॉल्व KOH। KOH कैसा होता है? एक सॉल्ट होता है। किस तरह का सॉल्ट होता है? सॉरी, KOH एक बेस होता है, बट ये बेस बच्चों किस तरह से होता है? सॉलिड बेस होता है ये। जिस तरह से NaOH के भी आपको पैलेट्स मिलते हैं, छोटी छोटी गोलियां मिलती है बटन जैसी, इसी तरह से KOH भी हमारा होता है। आपने KOH के इन सॉलिड क्रिस्टल्स को
एल्कोहल में डिसॉल्व कर देना तो ये बन जाता है क्या, एल्कोहलिक क्यूएच. डोंट यूज एक्वस क्यूएच, अदरवाइज बच्चों रिएक्शन बदल जाती है. सो हमने एल्किल हैलाइड को अल्कोहलिक क्यूएच के साथ हीट करना है और ऐसा करने पे हमको एल्कीन मिल जाती है बाय रिएक्शन नोन एज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन. चलिए आते हैं हम लोग अपनी अगली रिएक्शन पे और नेक्स्ट रिएक्शन हमारी क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड. सो जैसा कि मैंने बताया आपको बच्चों कि मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस पे हम ये देखते हैं कि एल्किल हैलाइड से ही हम लोग चीज़ों को शुरू करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि एल्किल हैलाइड्स हमारे बहुत ही अच्छे गुड स्टार्टिंग मटेरियल्स होते हैं. अब एल्किल हैलाइड्स से हम एक और चीज़, सॉरी, डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल. ओके फ्रेंड्स, सो जैसा कि अभी हमने एल्कीन बनाने का एक सेकेंड रिएक्शन देखा, अब हमारे एल्कीन बनाने के थर्ड रिएक्शन पे, और इस रिएक्शन में भी डी शर लगा हुआ है. डी मतलब रिमूवल. सो इस रिएक्शन में हम लोग किसको निकालेंगे, सो वी आर गोइंग टू रिमूव क्या, हाइड्रेशन, हाइड्रा मतलब वाटर को हम लोग दोस्तों निकालेंगे. सो हमने एल्कोहल से वाटर को निकालना है, और जैसा मैंने बोला कि यार किसी भी चीज़ को निकालना बहुत मुश्किल होता है, कोई भी चीज़ एक बार आपके घर में आ जाए तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है, चाहे वो कपड़े में लगा हुआ दाग ही क्यों ना हो, निकालना मुश्किल होता है. तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर भी हमको बहुत हाई टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. सो अगर हमारे पास एक अल्कोहल है, अब इसको अगर मैं हीट करता हूँ किसके साथ दोस्तों, प्लीज रिएजेंट का नाम यूज याद रखना, वी नीड टू टेक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करना है. जब हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे तो कुछ वैसा ही होगा जैसे कि पिछले रिएक्शन हुआ था अल्कोहलिक क्यूएच के साथ. हमारा क्या होगा, रिएक्शन से वहां पे हैलोजन और हाइड्रोजन निकला, यहां पर कौन निकलेगा, OH और H निकलेगा. और अगेन बच्चों केमिस्ट्री वैसी ही कुछ होगी जैसी पहले थी, जैसे कि यहां पर भी आपके पास दो ऑप्शन हैं H2O निकालने के, एक लेफ्ट वाला हाइड्रोजन भी आप निकाल सकते हैं और एक राइट वाला हाइड्रोजन भी निकाल सकते हैं. सो अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन है कि आपके पास दो ऑप्शन मिल रहे हैं कि हम ये वाला H2O निकालें या ये वाला H2O निकालें, निकालना आपको यही है OH अल्कोहल वाला और उसके बाजू वाले कार्बन का हाइड्रोजन, तो आप कौन सा वाला हाइड्रोजन निकालोगे, वही जो मैंने आपको पहले बताया. आपका एम होगा बच्चों कुछ इस तरीके से पानी निकालना कि आपके बनने वाली एल्कीन कौन सी हो, बीच वाली हो. आपको बच्चों मिडिल में एल्कीन पाई बॉन्ड को लेकर के आना है क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होता है. क्यों स्टेबल होता है, हम इसको अपने कॉम्पिटेटिव लेवल के वीडियोज में देख सकते हैं, GOC के वीडियोज में, जहां पर कि आपको हाइपर कंजुगेशन के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है. सो अगर आप हाइपर कंजुगेशन के वीडियोज जाके देखें तो उसमें आपको ये इफेक्ट समझ में आ जाएगा. बट अभी हमारा एम स्कूल एग्जाम तक ही सीमित है, तो चलिए स्कूल एग्जाम के हिसाब से बस इतना जानिए कि हम H2O निकालेंगे और कौन सा H2O निकालेंगे, बीच वाला. सो अगर हम यहां पर इसको हीट कर देते हैं, सो एक तो हमको ये वाली एल्कीन मिल सकती है और संभव है कि ये भी वाली एल्कीन संभव है इनमें से, लेकिन ज्यादा चांसेस किसके, बीच वाली एल्कीन के, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होती है और इसके चांसेस कम है, तो इट इज गोइंग टू बी माइनर प्रोडक्ट. मेजर प्रोडक्ट वो जो अधिक मात्रा में बनता है, माइनर प्रोडक्ट वो जो कम मात्रा में बनता है. लेट्स से अगर आपने इसके 10 मोल लेकर के आपने कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हीट किया, अगर आपने 10 मोल 2 ब्यूटेनॉल को अगर आपने हीट किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, देन यू विल गेट प्रोडक्ट इन समवेयर इन दिस काइंड ऑफ रेशियो कि आपको भैया 7 मोल इसके मिले 2 ब्यूटीन के मिले और 3 मोल आपको 1 ब्यूटीन के मिले, तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिलेगा. अब चूंकि ज्यादा मात्रा में ये बन रहा है क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे मेजर प्रोडक्ट, और जो कम मात्रा में बन रहा है उसको हम कहेंगे माइनर प्रोडक्ट. तो ये है दोस्तों हमारे एल्कीन को बनाने के तरीके. और अब हम लोग बात करेंगे क्या एल्कीन की केमिकल रिएक्शन के बारे में. चलिए, सो अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं और देखते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन.